वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कौम से पहले खिताब पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान के खिताब में परवेज मुशर्रफ के 5 निकाती एजेंडे के सिवा कुछ भी नया नहीं था। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी जैसे मामलों पर इमरान खान खामोश रहे। सईद गनी ने कहा है कि सीपैक पर कोई पॉलिसी बयान दिया, न ही छोटे सूबों के आईनी इख्तियारात पर कुछ कहा गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इल्जाम किया है कि कराची में खेलों के मैदानों पर कब्जे करने वाले कोई और नहीं वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादी ही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का भी रद्द अमल सामने आ गया है। तर्जुमान जीबी हुकूमत ने कहा है कि नो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं। भाषा डैम की बात तो की, लेकिन वहां के मकीनों का जिक्र तक नहीं किया। तर्जुमान ने कहा है कि इमरान खान को तो ये मालूम भी नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान ही मुल्क का मुआशी हब है। अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपने रद्द अमल में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिन मसाइल का जिक्र किया वो सब गपशप थे। गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि सबसे अहम चीज ख्वाजा पॉलिसी का तकरीर में जिक्र तक नहीं था। कहने लगे वो बातें क्यों हो जो कर नहीं सकते।